सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक रिएक्शन आचार्य जी के एक वीडियो के ऊपर। ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, 3 घंटे पुराना ही वीडियो है, आज ही अपलोड हुआ है। और मुझे इसका टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ विरोधाभासी क्वेश्चन, किसी ने कुछ पंगा ले लिया है बेसिकली आचार्य जी के साथ। उसने इसमें यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, वैसे तो आचार्य प्रशांत की बात स्वामी विवेकानंद से मेल नहीं खाती। किसी ने, मुझे लग रहा है, ये सवाल पूछा है और देखते हैं कि आचार्य जी इसका क्या उत्तर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फुल स्क्रीन मोड में आ जाते हैं और लेट्स स्टार्ट। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आप स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं तथा आप हम सबको ये प्रेरणा भी देते हैं कि उनके मार्गदर्शन पर ही अपना जीवन को आगे बढ़ाना भी है। तो आप ही से प्रेरित होके मैं पिछले कुछ दिनों से उनकी जीवनी पढ़ रहा था, जिस पर कुछ कुछ बातें मुझे आपके मत से विरोधाभास लगी, जो मैं अभी आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप जो ध्यान, क्या, तो क्या चाहते हो भाई कि बिल्कुल चेप दें उठा के, कॉपी, एक एक शब्द कॉपी पेस्ट कर दें। ये पता नहीं ये लोगों का क्या अजीब पागलपन है कि मिलाते हैं, बैठ के मिलान करते हैं कि जो अगर आदमी इंस्पायर होके बात कर रहा है तो बिल्कुल सटीक बात बोले, जो पूछने वाले ने बोली बिल्कुल वही बात बोले। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। उनके बारे में बोलते हैं कि सही काम को चुनो और उसका डूब के करो उसको, तो वही आपके लिए ध्यान है। अलग से समय निकाल के बैठ के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विवेकानंद जी बचपन से ही उनके माता के समक्ष में ध्यान करते हुए आए हैं। बाकी जहाँ तक चमत्कार की बात है, वो भी उनके जीवन पर देखने को मिलती है कि एक प्रसंग ऐसा आता है कि वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सामने बैठे होते हैं और रामकृष्ण जी अपने पैर से उनको टच करते हैं उनके शरीर में, तो उनको एक अलग चीज़ की अनुभूति होती है। आसपास की सारी चीज़ें घूमने लगती है और उनकी चेतना का स्तर भी अलग ये हो जाता है। उस समय वो डर जाते हैं। ये प्रसंग आगे भी कई कई दफ़े उन दोनों के बीच में होती आती है। और रामकृष्ण परमहंस जी को भी अगर देखा जाए तो वो भी कई प्रश्न लेकर काली माता के पास जाते थे उत्तर मांगने के लिए कि माता उत्तर बताओ। और कई कई दफ़े तो उन्होंने विवेकानंद जी को भी कहा कि जाओ जाके माता से पूछो। तो यहाँ पे चमत्कार भी उनके जीवन पर देखने को मिलती है, जिसका आप लगभग खंडन ही करते हैं कि चमत्कार ऐसा कुछ होता नहीं है। मांसाहार को लेकर भी खंडन करना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आदमी के, महापुरुषों के सारे जीवन को छोड़ के उनके चमत्कार की तरफ ही आकर्षित ज़्यादा होते हो, क्योंकि आदमी के अहंकार को चमत्कार ज़्यादा सूट करता है। वो चमत्कार की तरफ अहंकार आकर्षित होता है। अब जो परमहंस, इससे मुझे एक बात याद आई है, वो मैं बोलना चाहूँगा। जो परमहंस योगानंदा हैं, उनकी जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो इतनी ज़्यादा क्यों बिकी है? इतनी ज़्यादा वो इसलिए बिकी है और लोग इस किताब को पढ़ के इतने ज़्यादा इम्प्रेस भी इसीलिए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे योगियों का और उनकी अलग अलग सिद्धियों का वर्णन किया है उसके अंदर। गंध बाबा का, या बाघ बाबा का, या फिर लेडी महाशय जो उनके गुरु के गुरु थे उनका, या उनका अपने गुरु से कभी कभी एकांत में इंटरेक्शन होना। लोगों को इस टाइप की चीज़ें ना बड़ी आकर्षित करती हैं, इस टाइप की सिद्धि हमें मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। बाकी अगर पैर से छू दिया और सर चकराने लगा, ऐसा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाए या हाई हो जाए, उसमें भी होने लगता है। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें क्या चमत्कारिक बात है भाई? सेम है कि विवेकानंद जी मांसाहारी भी थे, उसको भी आप बताते हैं कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर मन में थोड़ी सी संशय आती है कि उन महापुरुष के जीवन में आपकी बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। कुछ बातों में विरोधाभास नहीं भी दिखा इसका मतलब सीधा सा है कि भाई कुछ तो बातें हैं जिनमें नहीं दिखा है,
ज़्यादातर बातें ऐसी हैं जिनमें विरोधाभास नहीं दिखाया, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है अभी? दो चार बातें पकड़ के तुम ऐसी ले आए हो जिनका कोई, जो दो कौड़ी की बातें हैं, जिनका कोई इतना इतना कोई वैल्यू भी नहीं है, जिनका कोई मतलब भी नहीं है, जो कतई दो कौड़ी की बातें हैं, उन पे आगे तुम सवाल पूछ रहे हो कि भाई ये बातें हैं जो आपकी मेल नहीं खाती हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, पहली चीज़ तो वो किसी और समय में पैदा हुए थे, दूसरी चीज़ वो किसी और समाज के अंदर पैदा हुए थे, बंगाली समाज है, बंगाली समाज बिना मछली के नहीं रह सकता, ये उनके उनके खान पान का हिस्सा है, मछली बहुत आम सी बात है वहाँ पे, जैसे हमारे खान, मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ तो यूपी में खास तौर पे जो ईस्ट यूपी है वहाँ पर, जो वेस्ट यूपी है जो हरियाणा से लगता हुआ एरिया है, वहाँ पर आलू बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बिना आलू के कोई सब्जी आप इमेजिन नहीं कर सकते, यहाँ पे आलू इतना ज़्यादा खाया जाता है। ऐसी जो बंगाल के लोग होते हैं उनके लिए मछली होती है, तो वो जिस परंपरा में, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, पहले तो वो उसे ही फॉलो करेंगे ना। जब ऐसा निष्कर्ष निकालें कि उनकी बातों में आपकी बातों से विरोधाभास क्यों दिखता है, तो हमने क्या कह दिया, उनकी बातें और आपकी बातें परस्पर विरोधी हैं। हजार में से तुमने तीन बातें गिरा दी हैं जिनमें तुम्हें विरोध दिख रहा है, वो भी है या नहीं इसकी चर्चा करेंगे। बाकी हुआ क्या? 997 बातें हैं जिनमें कोई विरोध नहीं है, उनकी कुछ चर्चा करनी है या उनको पीछे छोड़ दें? या 3/1000 के आधार पर निष्कर्ष ये निकालना है कि आचार्य जी और विवेकानंद जी परस्पर विरोधी बातें करते हैं? 997 को भुला करके जो 3 का पक्ष ले, क्या कहोगे ऐसे आदमी? वो किसके साथ खड़ा होना चाहता है? एक तरफ 997, एक तरफ 3 है। ये बात भाई साहब, ये सीधा से इशारा करती है कि ये आदमी क्या ढूंढ रहे हैं। ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट आदमी जिसमें कोई भी गलती ना हो। ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि भाई इस गोले पे, इस धरती पे ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कमियां ना हो। 100% शुद्ध और परफेक्ट आदमी, पूर्ण आदमी आपको नहीं मिलेगा इस धरती पे। शरीर में होने का ही मतलब ये है कि आप अपूर्ण हैं, क्योंकि शरीर ही अपूर्ण है। शरीर, किसी का शरीर आपने देखा जैसे आप कहोगे परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट बॉडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर शरीर की अपनी कमियाँ होती हैं, अपनी खूबियाँ होती हैं और अपनी कमियाँ होती हैं। आप शरीर में होके, आकार में होके परफेक्ट हो ही नहीं सकते बिना आकार। इसीलिए ब्रह्म को परफेक्ट कहा जाता है, आत्मा को परफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। पहली चीज, आप उसे आकार में नहीं बांध सकते, और क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है इसीलिए वो केपेबल है कोई भी आकार लेने में। इसीलिए वो अलग अलग तरह के जीवों को जन्म देती है, अलग अलग आकार के, रंग के, रूप के जीवों को जन्म देती है। आदमी की बॉडी परफेक्ट बॉडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या आदमी का मन परफेक्ट मन जैसा कोई चीज़ नहीं होती। परफेक्ट आदमी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर आप इस धरती पे हो तो आपके अंदर, जब तक आप सशरीर हो तब तक आप में कमियां रहेंगी ही रहेंगी। और 997 की उपेक्षा करके तुम 3 की तरफ जा रहे हो, इससे तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है? तुम कमी तरफ तुम्हारी नजर जाती है, कुछ सिद्ध ही करना चाहते हो क्या? हाँ, सिद्धियों के प्रति लालच, वही जो मैं अभी बोल रहा था। लोगों को ये बातें, विवेकानंद की पर्सनालिटी से इतना लोगों को लेना देना नहीं है जितना विवेकानंद ने अपनी बायोग्राफी के अंदर जिन चमत्कारिक चीज़ों का वर्णन किया है, कि कैसे वो किताबों को बहुत जल्दी पढ़ लिया करते थे, कैसे उनके और उनके गुरु के बीच में जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लोग वो बहुत आकर्षित करते हैं। लेकिन विवेकानंद ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली, कितनी उन्होंने मेहनत की अपने गुरु की बात को का प्रचार प्रसार करने के लिए, किस तरह वो कितनी मुसीबतें झेल के वो अमेरिका तक पहुंचे। लोगों को इनसे कुछ खास लेना देना नहीं है, इनकी बात करो ना। ये हैं जो असली आदमी के कैरेक्टर को दिखाती हैं, उसकी मेहनत को दिखाती हैं।
लेकिन नहीं, उन्होंने लिख दिया कहीं कि मेरे मेरे गुरु ने मुझे पैर से छुआ और बस भूचाल समझ गया और मेरी चेतना का स्तर बढ़ गया, बस यहाँ, बस यहाँ गुरु जी मजा आ जाता है बस। क्या मन बना के आए हो? इरादा क्या है? सिद्धियों का राज लेके जाऊंगा। क्या इरादा है? आओ इन तीन की चर्चा करते हैं। पहले ये स्वीकारो कि 997 में तुम्हें कहीं कोई विरोध नहीं दिखता, फिर इस तीन की तरफ आओ। ठीक, पहली बात तुमने क्या बोली, चमत्कार या कुछ? पहले और ध्यान को लेकर। ध्यान को लेकर के, जिन्होंने भी ध्यान पर मुझे सुना है, साफ साफ मैंने बोला है कि ध्यान की विधियों का उपयोग बहुत आरंभिक स्तर पर है। और वही तो तुम बोल रहे हो कि बचपन में ध्यान किया करते थे। अच्छी बात है, बचपन से उनकी माता जी ने उन्हें ध्यान की विधि दी। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो ध्यान की विधियों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो देख पाते हैं कि लोग ध्यान की विधि से चिपक जाते हैं। वो ध्यान विधि थी इसलिए कि आपको आगे बढ़ाया जा सके, आपको पुश किया जा सके, ध्यान आपके जीवन में उतर सके, वो आपका व्यवहारिक जीवन बन सके, इसमें आपको मदद मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस एक घंटा डेली बोल दिया कि एक घंटा मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, उसमें बैठ के सांस को देखना है, आती जाती सांस को देखना है, और बस उसी रिपीट किए चले जा रहे हैं, उसी रिपीट किए चले जा रहे हैं। अब अगर तुम इससे आगे ही नहीं बढ़ोगे कि एक घंटा ध्यान कर लिया उसके बाद वापस उसी अपनी जो ट्रेडिशनल लाइफ थी उसके अंदर वापस लौट गए, तो फिर ध्यान का क्या इस्तेमाल रह गया? ध्यान था तो ये इसलिए कि आपका जीवन रूपांतरित हो, आपके अंदर जीवन के प्रति समझ पैदा हो। लेकिन आपने एक घंटा बैठ के तो ध्यान अपना प्रैक्टिस कर लिया, जो भी मेडिटेशन टेक्निक थी उसको प्रैक्टिस कर लिया और वापस अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में वापस लौट गए। इसे ध्यान थोड़ी बोलते हैं, ये तो जबरदस्ती का टाइम पास है, खुद को धोखा देना। आप खुद को बैठ के धोखा दे रहे हो। स्तर पर तो ध्यान की विधियों का उपयोग होता ही है। बेईमानी तब होती है जब तुम उसी विधि को खींचते जाओ 40-80 के हो जाओ और वहीं पर बैठे हुए हो, लगे हुए बस एक घंटा दो दो घंटा तो बैठ के। ने उस ध्यान को अपना जीवन बनाया या नहीं बनाया, बनाया या नहीं बनाया, तो तुम्हें विरोध कहाँ दिख रहा है? यही तो मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान को जीवन बनाओ। या विवेकानंद ऐसे करते थे कि आधे घंटे ध्यान करते थे और उसके बाद जाके गुड़ की दुकान पे बैठ जाते थे। जल्दी बताओ, लोग ध्यान समझते ही से हैं कि बस ये बुद्ध की वजह से ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है ना कि बस एक जगह आलती पालती लगा के बैठ जाओ और बस आंखें एक जगह मतलब आलती पालती लगाओ और आंखें बंद करके और क्या बोलते हैं बैठ जाओ, अंदर फिर चाहे कुछ भी बकवास चल रही हो, ये ध्यान नहीं होता भाई, ये ध्यान नहीं होता। लोग इसे ही ध्यान समझते हैं आधी से ज़्यादा। ये दिक्कत की बात तो यही है कि आधी से ज़्यादा जनता बस इसे ही ध्यान समझती है कि आँख बंद करके बैठ जाओ कहीं पे भी और अंदर कुछ भी चलता रहे, ये हो रहा है ध्यान के नाम पे, और ऐसी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो जो ध्यान था, वो जो अध्यात्म है, उसी को उन्होंने अपना जीवन बना लिया कि नहीं? अध्यात्म वो ध्यान जब तक जीवन ना बने तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, वो बेकार है। अगर आपको ध्यान अलग से जाके करना पड़ रहा है तो फिर वो ध्यान बेकार है। जो ध्यान आपका जीवन नहीं बन सकता वो कतई दो कौड़ी का है, रद्दी है एकदम। बात करता हूं, छोड़ दो उसे। मैं कहता हूं पल पल ध्यान रहे। विवेकानंद को तुम्हें क्या लगता है, पल पल ध्यान नहीं रहता था? उनका ध्यान खंडित था, सीमित था, तो तुम्हें विरोध कहां दिख रहा है फिर? मैं विरोध करता हूं ध्यान की विधियों के नाम पे जो पाखंड चल रहा है इसका, मैं पाखंड का विरोध कर रहा हूं। तुम कह रहे हो मैं विवेकानंद का विरोध कर रहा हूं, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि विवेकानंद पाखंडी थे? सीधी सी बात है। ध्यान की विधियों के नाम पे 100 तरह के पाखंड चल रहे हैं कि नहीं? इसे तो कोई नहीं जुटला सकता। मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, गुड़ मेडिटेशन, घी मेडिटेशन, बियर योगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं इसका विरोध करता हूँ। योग, इतनी वैज्ञानिक पद्धति योग, आज के इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य का एग्जाम्पल ये है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका योग ही है। इतनी अच्छी समाधि तक पहुँचने की सिस्टमैटिक मेथड, योग, पतंजलि योग सूत्र या अष्टांग योग, आज सिर्फ एक्सरसाइज बन के रह गया।
जबकि एक्सरसाइज उसका बस बहुत छोटा सा पार्ट है, और वो भी उन लोगों के लिए जो बॉडी से फिट नहीं है, वरना बॉडी ध्यान में अड़चन डालेगी। उन लोगों के लिए योग सूत्र के अंदर आसन दिए हुए हैं, लेकिन लोगों ने बाकी सब कुछ भुला दिया, आठ के आठ चरण उठा के साइड में रख दिए, सिर्फ एक चीज करने में लगे हुए हैं, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज को पकड़ के बस योगा बना दिया, क्योंकि बाकी चीजें और समझ में आती नहीं उनके, यम उनको समझ में नहीं आते, नियम उनको समझ में नहीं आते, प्राणायाम उन्हें नहीं समझ में आता, प्रत्याहार उन्हें नहीं समझ में आता, धारणा ध्यान समाधि की तो बात ही भूल जाओ, उन्हें बस समझ में आता है वो फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें कोई बुद्धि तो लगती नहीं है, उसमें दिमाग में कोई तकलीफ देनी नहीं होती। अब अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज ही करनी है तो वो बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका योग से कोई लेना देना नहीं है। वो जो योग के नाम पे जो फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है उसका योग से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। एरोबिक्स से मेडिटेशन करा देंगे तो चलेगी, चल रहा है, जिसमें खास तरीके से तुम्हारे बाल काटे जाएंगे उससे मेडिटेशन हो जाता है। ये कौन सा तरीका है यार, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। बैठोगे, एक बाल काटने वाली आएगी, हाँ तब होगा ना ध्यान, खास तरीके से किसी खास उपकरण से तुम्हारे खास बाल काटेगी और तुम एकदम समाधि में लीन हो जाओगे, उच्चतम अवस्था में पहुंच जाओगे, प्रवेश कर जाओगे। मैं ये पाखंड का विरोध करता हूं, इसमें कोई समस्या है? ये हो रहा है अल्लाह, कोई समस्या? आधे घंटे के लिए बैठ गए, क्या मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद जा करके दुकान पे ग्राहक को लूट रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं, इसमें कोई समस्या है? जीवन ऐसा जी रहे हैं जिसमें तनाव होगा ही होगा, और फिर जब तनाव बहुत बढ़ जाता है तो थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं और ध्यान हाँ, करके फिर से उसी यही तो है, मेडिटेशन को यही बोल के तो प्रमोट किया जा रहा है, मेडिटेशन को ये बोल के नहीं प्रमोट किया जा रहा है कि इससे जीवन के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी। जब समझ बढ़ेगी तो अपने आप सरल जिंदगी और कम तनाव वाली जिंदगी जीने लगोगे। नहीं, जिंदगी तो वैसे ही जीते रहो, लेकिन मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन को प्रमोट किया जा रहा है एक ऐसी टेक्निक के तौर पे जो आपका स्ट्रेस कम करती है, आपका स्ट्रेस मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। ये बकवास चल रही है मेडिटेशन के नाम पे, जिंदगी वापस चले जाते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं, कोई समस्या है? तो क्या साबित करना चाहते हो? अब रही बात चमत्कार की, थोड़ा पढ़ लिया करो उनके बारे में जिनके बारे में आते हो बात करने। रामकृष्ण परमहंस भी बहुतों से सीखते थे, और जिनसे सीखते थे उनमें उन्हें आखिरी सीख ये मिली कि तुम्हें अपनी मां से भी मुक्त होना पड़ेगा, और मां से मुक्त हुए बिना तुम भी आखिरी तोतापुरी, उनके गुरु थे ना तोतापुरी, वो बहुत पहुंचे हुए लोग योगी थे, और उन्होंने सिद्ध थे, समाधिस्थ पुरुष थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कहा था कि भाई तुम्हें अपनी माँ से भी, माँ काली से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली जो रामकृष्ण परमहंस की जो माँ काली हैं वो क्या है, वो मन की आखिरी अवस्था है, मन का शुद्धतम रूप है, मन की आखिरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है वो। जब काली के चमत्कार की बात, माँ काली के चमत्कार की बात रामकृष्ण परमहंस करते हैं, तो उनके मन ने माँ काली का इतना कॉन्सेंट्रेटेड रूप ले लिया था कि उनकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती थी, वो जो भी सवाल का उत्तर जानना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, क्योंकि वो मन इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, और ये सबको पता है कि अगर आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाते हैं, उसे केंद्रित करना सीख जाते हैं, तो फिर आप उससे कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन वो आखिरी अटकाव भी है, क्योंकि कहाँ जाना है, जाना है मन के पार, मन के पार है समाधि। और तोतापुरी यही उन्हें बोल रहे थे, लेकिन इस आखिरी अटकाव से निकलना ही बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए तोतापुरी ने उन्हें बोला था कि ले, ये ले तलवार और काट दे अपनी मां को, कांच का टुकड़ा देके बोला था, तक नहीं पहुंच पाओगे, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था मां से मुक्त होना,
अंततः उनके गुरु ने उनके हाथ में कांच का एक टुकड़ा दिया। हाँ, ये है। बोले आंख बंद करो, आंख बंद करी। बोले क्या आता है आंख बंद करते? बोले माँ आती। इसे तलवार समझ, इसे तलवार समझ और काट दे, को इस कांच के टुकड़े से चीर दो। बोले होगा नहीं, माँ है। बोले जब तक चीरोगे नहीं तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। वो आखिरी बंधन था। किसी तरीके से ईश्वर भी अंत में बंधन बन जाता है, उसे छोड़ना पड़ता है। अगर ब्रह्म तक पहुंचना है तो ईश्वर भी अंत में बंधन बन जाता है, उसे भी छोड़ना पड़ता है। अगर आपको आखिरी परम स्थिति तक पहुंचना है तो को बांध करके अंततः रामकृष्ण ने वही कर दिया जो उनके गुरु उनसे करवाना चाहते थे, और वो उनकी मुक्ति का क्षण था। पूरी बात तो पढ़ लिया करो ना। रामकृष्ण परमहंस के गुरु का नाम था तोतापुरी, ये याद रखना, चेक भी कर सकते। रही बात चमत्कारों की, उदाहरण के लिए ऐसी बात कि विवेकानंद को रामकृष्ण स्पर्श करते हैं और विवेकानंद का सर चकरा जाता है, दुनिया घूम जाती है और फिर उन्हें कुछ बोध हो जाता है। ये बहुत साधारण सी बात है, ये तो होती ही होती है। इसके लिए चमत्कार की जरूरत थोड़ी है। जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है या शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, उनको भी आने लगते हैं ये सब हरकतें। ये तो पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस है ना भाई, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, इसका चमत्कार से क्या लेना देना। इसमें तुम्हें चमत्कार जैसा क्या लग रहा है? ये आदमी इंटरेस्टेड ही होता है चमत्कारों में। अरे माँ अपने बच्चे को ही अगर गले लगा लेती है तो उसे बड़े विशेष अनुभव होने लग जाते हैं, होने लग जाते हैं कि नहीं? और वो तो एक साधारण सी बात है माँ और बच्चे के बीच की। तो वही घटना जब एक गुरु और शिष्य के बीच में घटेगी तो वहां तो विशेष अनुभव होने ही लग जाएंगे, उसमें तुम्हें चमत्कार। जब दो लोगों के बीच में प्रेम होता है, वो गुरु शिष्य हो या प्रेमी हो या माँ बच्चा हो, कुछ विशेष अनुभव होते ही होते हैं। वो प्रेम की वजह से है, जो आपकी आपसी निकटता है। और वो निकटता गुरु शिष्य की भी हो सकती है, माँ बच्चे की भी होती है, माँ बच्चे की तो होती ही होती है, और दो प्रेमियों की भी हो सकती है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें आप किसी और को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब्जेक्टिव हैं। यहाँ पर अभिभावक बैठे हैं, माएं बैठी हैं, पिता भी बैठे होंगे। आप जब अपने बच्चे को, खासतौर पर छोटे बच्चे को छाती से लगा लेते हैं तो दिव्य सा अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वहां तो जो आपको स्पर्श कर रहा है वो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो आपको स्पर्श करेगा तो कुछ तो दिव्य अनुभव हो ही जाएगा। वो अनुभव होना कोई चमत्कारिक बात नहीं है, वो एक मानसिक बात है। मन बिल्कुल भाव विवहल हो जाता है कि कोई ऐसा जो इतना खास और इतना प्रिय है हमारे इतने निकट आ गया कि उसने हमें स्पर्श कर लिया। आपसी निकटता की बात है, गले मिलोगे कुछ खास होने लग जाता है, आपस में कितना प्रेम है उसकी बात है। तो प्रियतमा तो बहुत छोटी चीज है, रामकृष्ण बहुत बड़े थे, उनसे गले मिलो तो कुछ खास होगा ही होगा। संस्था है उसमें ये साथ के लोग हैं, और ये बात तो बहुत आम है। लोग आते हैं कहते हैं ऐसी ऐसी बातें कि बुखार हो रहा था, आचार्य जी आपके पास आए बैठे, आप बात कर रहे थे, आपकी बात सुनने लगे, अब अपना तापमान नाप रहे हैं, बुखार नहीं है। ये कोई चमत्कार थोड़ी हो गया है, ये होता है बस, उसमें कोई खास बात नहीं है। मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं खराब तबीयत में आकर के आप लोगों के सामने बैठ जाता हूँ, फिर छः छः घंटे बोलता रहता हूँ, भूल जाता हूँ। तो ज़रूर आप लोग चमत्कारिक होंगे कि आप लोगों के सामने आते ही मेरी थोड़ा मजा तुम भी ले लो। इसी चीज़ को चमत्कार बोलते हो कि बीमार आदमी ठीक हो जाए, चमत्कार है। मैंने तो हमेशा यही पाया है कि जब आप लोग मेरे सामने होते हैं मैं ठीक हो जाता हूँ, जरूर चमत्कार होगा ये। इसमें चमत्कार क्या है? तो प्रेम की बात है। इसमें चमत्कार क्या है? तुम्हें अगर इस तरह की बातों को चमत्कार कहना है तो यहां संस्था के सदस्य बैठे इनसे पूछ लो, दर्जनों के भाव में रोज चमत्कार होते हैं, रोज। मैं खरगोश है, उसको जाते हैं ले लेते हैं, वो उल्टा लेट जाता है और सो जाता है। तुम किसी खरगोश को ही करता नहीं पाओगे। अब हमें घोषित करना हो कि चमत्कार है तो अभी कर दें कि चमत्कार है, कुछ नहीं है, प्रेम की बात है। वो ऐसी भाषा है जो पशु भी समझते हैं, उसे भरोसा हो गया है मुझ पर, मैं उसको उल्टा लेटा देता हूँ, इतना सा खरगोश है, उल्टा लेट जाता है और सो जाता है, और मैं उसको ऐसे अपना ऐसे हाथ फेरता रहता हूँ, अपना सोया हुआ है। तुम करोगे तो नहीं सोएगा, तुम्हारे से नहीं सोता। तुम क्या कहोगे, मैं चमत्कारिक हूँ? नहीं, चमत्कारिक नहीं हूँ।
बस भरोसे की बात, भरोसे ट्रस्ट हो गया, वो बहुत मुश्किल से आता है खासतौर से जानवरों के केस में। रोज होते हैं, गिनती कौन करे, ऐसी चीजें रोज हो रही हैं, प्रतिपल हो रही है, क्या गिने उसको भाई। बल्कि मैं चाहूंगा कि यहां पर लोग हैं उनसे आके पूछना, उनको ज्यादा याद होगा, ये तो कम ही याद है। तीसरी चीज तुमने क्या गिनाई थी, 999 हो चुका है अब, ठीक है, 1000वां बताओ, 1000वां आखिरी थे, मांसाहार करते थे। अभी 8 साल पहले तक मैं दूध, पनीर, खोया, लस्सी, पनीर पकौड़ा मस्त झाड़ता था। तो अरे कोई तथाकथित ईश्वर हो गए क्या? जब तक मनुष्य देह में हो गुण दोष विकार तो रहेंगे ही ना, जब तक इस प्लेनेट पे हो, उस ग्रह पे हो, तुम्हारे अंदर दोष रहेंगे। अब तुम बोलो कि कोई ज्ञानी पुरुष है उसके पसीने से गंध काहे को आती है, भाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, ये कौन सी बात है कि तुम कहने लग जाओ बैक्टीरिया को थोड़ी समझ में आएगा कि तुम खोज के निकालो ज्ञानी हो। महापुरुषों के चरित्र में भी कहां कहां कमियां थी, और जो कमियां हो उनको या तो ये कह दो कि कमियां है ही नहीं, ये ठीक बात है, या फिर ये कह दो कि महापुरुष भी अगर कमियां रखते हैं तो फिर हम में ही है, तो अपनी अपनी हमारे दो अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक बड़ा वो ओट मिल जाती है ना। अगर रामकृष्ण या विवेकानंद मांसाहार कर सकते हैं, वो मछली खा सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते, फिर हम भी तो खा सकते हैं। और बंगाली यही बोल बोल के मछली खाए चले जा रहे हैं, या दुनिया यही, हिंदुस्तान में भी लोग उनका एग्जांपल खूब देते हैं, लेकिन वो वजह नहीं समझते इसके पीछे की। तरह के तर्क होते हैं, तुम्हें पता चल जाए कि कोई ज्ञानी आदमी मांसाहार करता था, तो या तो ये कह दोगे कि वो ज्ञानी है ही नहीं, या ये कह दोगे कि वो ज्ञानी है और मांसाहार करता है, तो हम भी करेंगे। बाय द वे, इसका अगर क्लियर आप मतलब समझना चाहते तो इतना इसका मैं आपको ये मतलब बता देता हूँ। जब एक आम आदमी मांसाहार करता है और एक रामकृष्ण जैसा आदमी मांसाहार करता है, तो उसमें फर्क क्या है? उसमें सीधा सा फर्क ये है कि जब एक आम आदमी मांसाहार करता है ना, तो वो ये डिमांड करता है कि भाई आज चिकन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, या आज फिश मिल जाए तो मज़ा आ जाए, वो इंसिस्ट करता है अपनी तरफ से। या उसका मूड खराब हो सकता है कि यार आज खाने में मछली क्यों नहीं है, यार खाने में चिकन क्यों नहीं बनाया, मूड खराब कर दिया सारा। रामकृष्ण जैसा आदमी ये नहीं करता, राम या विवेकानंद जैसा आदमी ये नहीं करता। रामकृष्ण और विवेकानंद के सामने अगर मछली आ जाती है तो वो खा लेते हैं उसे, लेकिन अगर नहीं आएगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि आज मछली क्यों नहीं बनाई है। अगर उनके सामने आप मांसाहार परोसोगे तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, वो बंगाल से आते थे तो वहां पर मांसाहार आम बात थी, तो इसके लिए इतना रौला मचाने की उन्हें जरूरत नहीं थी कि ठीक है आ गया है तो खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनकी प्लेट में आप नहीं रखोगे तो वो इसके लिए उत्पात मचा देंगे या शोर मचा देंगे या बुरा मान के बैठ जाएंगे कि सबकी प्लेट में मछली है, मेरी में क्यों नहीं है, या आज खाने में मछली क्यों नहीं बनाई है। जो आ गया सामने वो खा लिया, इससे मतलब सिर्फ इतना है कि जो सामने आ गया वो खा लेते थे, वो कोई चॉइस करके नहीं खाते थे कि ये ही खाऊंगा। ये दोनों ही बातें कितनी विचित्र है ना। तुम वो चीज लो ना जो लेने लायक है, क्यों भूलते हो कि वो बंगाली थे और तुम बंगाली घर में पैदा हुए हो, वही तुम्हारा परिवेश है, तुम माछ से मच्छी से बच कैसे जाओगे? सीधी सी बात है। हाँ, बाद में तुम इंडिविजुअल हो, तुम मैच्योर होते जा रहे हो, जैसे जैसे मैच्योर होते हो वैसे वैसे अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई ये अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम धीरे धीरे हटा सकते हो उसे। लेकिन आदमी करता क्या, आदमी अपनी कमजोरी को छुपाता है महापुरुषों के नाम पर। उससे ये तो कहा नहीं जाता कि मैं आदतन मांस मच्छी खाता हूं और मुझसे रहा नहीं जाता मांस मच्छी खाए बिना, मेरा मूड खराब हो जाता है, ये तो सीधा सीधा वो मानता नहीं, क्योंकि इससे अपनी कमजोरी पे चोट पड़ेगी ना, उससे अपनी कमजोरी पे चोट पड़ेगी। नाम किसका लेता है, वो रामकृष्ण और विवेकानंद जैसे लोगों का नाम लेता है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ना। रामकृष्ण की प्लेट से, अगर रामकृष्ण की खाने की प्लेट से आप अगर मच्छी निकाल दोगे तो रामकृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना विवेकानंद को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये फर्क है दोनों।
कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं और वो अनंत यात्रा होती है, उस यात्रा पर अगर आप 40 साल 80 साल 150 साल चलते रहे तो धीरे धीरे करके आप अपने सारे गुण सारे दोष छोड़ते रहते हैं। संभव है कि विवेकानंद भी थोड़ा और आगे बढ़ते तो मांसाहार भी उन्होंने त्याग ही दिया होता। ये भी संभव है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने मांसाहार त्यागना आरंभ भी कर दिया हो। समझ में आ रही बात? ऐसे तुम निजी जीवन में घुसोगे तो तुम किसी भी ज्ञानी संत ऋषि के जीवन में जाओगे, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ खोट मिली जाएगी। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी नजर कैसी है जो खोट पे ही जाके टिकती है? जो खोट पे ही जाके टिकती है यार, अजीब आदमी हो तुम। खोट ही देखनी है आदमी में, 100 अच्छाइयां हो, 100 सीख दे रहा वो नहीं देखना। इसी बात में निकाल दोगे कि उसका एक पन्ना थोड़ा सा फटा हुआ है कोने से? किताब पढ़ने से मतलब नहीं है, फटा हुआ पन्ना देखना। पढ़ लो भाई लिखा क्या हुआ है और फुर्सत हो जाओ किन चीजों में उलझ गए। और अगर इन चीजों में उलझना है तो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अनुपयुक्त व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझमें तो 100 खोट है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मुझी से पूछ रहे हैं खोट के बारे में, मैं जो खोट का पुतला हूं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। वो उनकी खाने पीने में गड़बड़ ये थी कि मांसाहार करते थे। ये आध्यात्मिक जर्नी का, ये आध्यात्मिक जर्नी का पार्ट है कि आप मानोगे हम में 100 कमियां हैं और आप जानते हो, बस आपकी बेईमानी ये है कि आप मानने को तैयार नहीं होते। मांस खाना है मांस खा लो, लेकिन इस बात को एडमिट तो करो कि भाई मैं आदमी ऐसा हूं कि मांस खाए बिना रह नहीं सकता, फिर देखो क्या होता है। इसे ईमानदारी से स्वीकार करो कि मैं आदमी ऐसा हूं कि मेरा मांस खाने का मन करता है और मांस खाए बिना मैं रह नहीं सकता, तभी तो बदलाव की शुरुआत होगी। ये मेरे लिए अलग से खाना लेकर के आए, एक फूड दर्जी करके कुछ है उससे पकड़ा है, वो अपने वो कम कैलोरी का और बहुत सारी उसमें चीज़ें वीज़ें डाल करके जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट में है कि ये डाल दो वो डाल दो वो सब डाल करके बनाते हैं, वो लेकर के आए यहाँ पर। बेचारों ने बड़ी मेहनत करी, मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ जब तक इन्होंने वो खाना मेरे पास पहुँचाया, उतनी देर में मैंने कैंटीन का चाउमीन झाड़ दिया। मैंने कहा तुम रखो कैंटीन का चाउमीन झाड़ दिया, तुम रखो अपने न्यूट्रिएंट्स अपने पास, हमें नहीं चाहिए। चाउमीन था और क्या था, कहाँ शुभन कर ऐसा खाया है कि याद भी नहीं, जो कुछ था सब खा गया। वो कितने लगे? अगर पकड़ो और कह दो कि प्रशांत के जीवन से यही तो शिक्षा मिलती है। चाउमीन खानी चाहिए कि सत्र से पहले अगर वड़ा पाओ और चाउमीन खाओगे तो ज्ञान वर्षा होगी, फिर मुक्ति हो जाएगी, तो फिर समाधि प्राप्त हो जाएगी। तो तुम रहने दो, समाधिस्थ हो जाओगे, जिससे जो चीज सीखने लायक तुम रहने दो, तुम जना पाए मुझसे थोड़ी सीखोगे ना, तुम खान पान विवेकानंद से सीख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है 40 की अल्पायु में क्यों उनको प्रस्थान करना पड़ा? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हें क्या लगता है कि हालत वो आदमी 40 की उम्र कोई मरने की उम्र नहीं होती, 40 की उम्र में ही क्यों वो स्वर्गवासी हो गए, क्यों उनकी मृत्यु हो गई? क्योंकि भाई उन्होंने इतना ज्यादा इंटेंस उनकी लाइफ थी कि उन्हें किसी चीज़ की फुर्सत ही नहीं थी। उन्होंने मतलब वो ऐसे जी रहे थे जैसे समय है ही नहीं पास में, इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग, इतना ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा उन्होंने झोंक दिया था अपने आप को कि उन्हें इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हो गई थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। तुम्हें लग रहा है उनका खान पान बड़ा अच्छा रहा होगा? हाँ, 50 तरह की उनको बीमारियाँ थी। What about that? उसका क्या? वो नहीं पढ़ा? उनसे बहुत कुछ है सीखने को, ऊंची से ऊंची बात उनसे सीखी जा सकती है, लेकिन हमारी नजर नीचे से नीची बात पर होती है। जो सीखने वाला हो अगर वो सिर्फ विवेकानंद का ही पूरा साहित्य पढ़ ले तो आगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ऊंचाई थी उनमें। पर उसकी जगह हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मछली खा ली और पता नहीं क्या क्या। इरादा ठीक रखो, अगर ये चाहोगे कि तुम्हें कोई परफेक्ट व्यक्ति मिले तभी उससे सीखोगे तो तुम किसी से नहीं सीखने वाले, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जिनको तुम परफेक्ट मानते भी हो, वो भी नहीं परफेक्ट है। परफेक्शन माने पूर्णता,
जो मनुष्य देह में है वो पूर्ण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बात खत्म। अगर तुम इस पृथ्वी ग्रह पर हो तो अपूर्ण ही हो, ये अपूर्ण लोगों के लिए ही है। लेकिन अपूर्ण व्यक्ति से भी पूर्णता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं। चांद से चांदनी लो, धब्बे नहीं। वाह क्या बात है, ठीक, चांद से चांदनी लो, धब्बे होते हैं, चांद में भी धब्बे होते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते। इसमें चांद का गुनाह नहीं हो गया, लेकिन तुम्हारी नजर ही धब्बे पे जाती है। इंसान बना ही इस तरीके से हुआ है कि वो देखता ही खोट है। 1000 1000 बटा 1000। और बताओ, कुल मिला के इसका सार, सिर्फ सार सूत्र सिर्फ इतना है इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, कि ये जो भाई साहब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, इनको ये चीज़ों में विरोधाभास दिखाई दे रहा था कि भाई कहते हैं आचार्य जी तो बोलते हैं कि मांस वास नहीं खाना चाहिए, और बात करते हैं विवेकानंद की, विवेकानंद तो मांस भी खा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है मांस खाने का, या जब विवेकानंद खा सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकता। जब विवेकानंद जैसा महापुरुष और समाधिस्थ आदमी बड़े मजे से मछली खा रहा है, तो भाई यार मन तो मेरा भी कर रहा है, एक बार तो मैं भी ट्राई कर ही लूँ जाके, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इस बात को मानो, ईमानदारी से मानो कि मेरा मन करता है, तभी तो इस चंगुल से, इस मन के चंगुल से बाहर आ पाओगे, तभी तो ये बात चुभेगी ना अंदर दिल में कि मैं अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं। जब तक अपने आप, अपनी प्रवृत्तियां जो हैं, उनकी अपनी मन की वृत्तियां जो हैं, उन्हें ईमानदारी से स्वीकारोगे नहीं, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होने वाली। यही इस पूरे वीडियो का सार सूत्र है, यही इसका कंक्लूजन है। आदमी करता क्या है, आदमी महापुरुषों के नाम पे उन्हीं चीजों को खोज निकालता है, उन्हीं चीजों को खोज के लेके आता है जिससे वो अपने आप को बचा सके। कि देखो विवेकानंद और रामकृष्ण के अंदर भी तो ये कमियां थी, वो भी तो मछली खा रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, भाई हम क्यों नहीं कर सकते। यार उसके लिए मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूं, अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों का रिएक्शन, आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।